मेरा देवर इतों लै जदों उरे पहुंचया मेरी बेटी दी दो जाने कुत्तियां वांगू लाश खिची आ रहे सी। आखर नूं इक मुलाजिम हुंदे होए इन्हां दे पंप ते हक नहीं बनता जी उन्हां दा। एक मुलाजिम नूं आपां कुत्तियां वांगू घड़ीस रहे हां। इहदा बाप आ जिहड़ा उहनूं दरंगा मरीज आ, बेटा छोटा गा, आप इह पोचे ला के उहनूं पढ़ाया बी ए करी। चलो भी उन्हें कहा भी गुजारा नहीं हुंदा अपना, वो पंप ते लगी हुई सी, 3 महीने हो गए सी पंप ते लगी हुई। पुलिस ने कि कुछ नहीं दिता साथ, पुलिस दे उस साथ, क्योंकि पुलिस तो बिक चुकी, क्योंकि पुलिस तो इन्होंने पहला बेच ली, खरीद ली पंप वालिया ने रातों रात, क्योंकि भी अस्त उलझ गया अपनी बच्ची चा। फोन करया उहदा चाचा जी आया तो आउंदे उहनूं दो जाने खिची आउंदे सी उहनूं पंप ते, जदों उहनां ने आया आपां खिच के गड्डी कोल स्कूटरी कोल छड्डदे सी, स्कूटरी कोल छड्ड के वापस मुड़ गए। पुलिस तक डीसी तक मंत्रियों तक पैसा पहुंचाता, साडी गरीब की कौन मदद करूगा, कोई नहीं करता ना। तो असं भी आपका हक लैके इतों मेरी बच्ची का इंसाफ लैके फिर हिलूँ मैं भी, उन्ना चिर मैं आपकी बच्ची का संस्कार नहीं करती। बेटी सी जी मेरी 19 साल सी जी, सवेरे जी कम तो आई है जी मेरी बेटी, मैं ते मेरी बेटी मैं उधर चली जानी हां जी बा बरनाला कैंचियां जी, मेरी बेटी इधर कम ते आ जांदी है जी, पूरे पेट्रोल पंप ते लगी हुई है जी। जदों सानू सवेरे हसदे खेडदे आए जदों सानू तां शाम नूं फोन गया मेरे बेटे नूं भी अके सोडी गुड़िया ढिल्ली हैगी भी तुसीं उरे आ जाओ। मेरे बेटे ने आपदे चाचू नूं फोन करता कि चाचू जी तुसीं नेड़े हो तुसीं चले जाओ जल्दी भी असीं पहुँचदे हाँ, दूर हाँ भी असीं किसी की बाइक लै के मतलब के बाद च आए। मेरा देवर इतों लै जदों उरे पहुँचया मेरी बेटी दी दो जाने कुत्तियां वांगू लाश खिची आ रहे सी। आखर नूं इक मुलाजिम हुंदे होए इन्हां दे पंप ते हक नहीं बनता जी उन्हां दा। एक मुलाजिम नूं आपां कुत्तियां वांगू घड़ीस रहे हाँ, बल्कि जिथे आपां लगे हुए हाँ उस बंदे का हक नहीं बनता भी अपने मुलाजिम बीमार है आपां नूं होस्पिटल छड्ड के आईए, फिर उन्होंने घरदियां नूं फोन करिए भी साडी बच्ची बीमार है असीं होस्पिटल ले आए भी तुसीं आ जाओ। बल्कि इन्होंने ये भी नहीं मतलब कि मेरे देवर नाल जाना भी नहीं जा गए भी नहीं, वह बेचारा कला गोदी च चक के गया लैके गया, तो एक मुंडा इत्थे पेंचर वाला उहदे नाल गया गया। जदों बेटी तां मेरी पूरी हो चुकी सी, डॉक्टर ने तो कुछ नहीं दसिया जी, जदों मैं गई जी अंदर मैनू बस थोड़ा चिर ही जान दिता बाहर कढ़ दो। पुलिस ने कि कुछ नहीं दिता साथ, पुलिस दे उस साथ, क्योंकि पुलिस तो बिक चुकी, क्योंकि पुलिस तो इन्होंने पहला बेच ली खरीद ली पंप वालिया ने रातों रात, क्योंकि भी अस्त उलझ गया अपनी बच्ची चा। पुलिस तक डीसी तक मंत्रियों तक पैसा पहुँचाता, साडी गरीब की कौन मदद करूगा, कोई नहीं करता ना। तो असं भी आपका हक लैके इतों मेरी बच्ची का इंसाफ लैके फिर हिलूँ मैं भी, उन्ना चिर मैं आपकी बच्ची का संस्कार नहीं करती। यही परसों की घटना, 3 दिन हो गए इन्हों स्टाप चो इन्हों का मतलब कि जिन्हों का पंप है कोई साढ़े को नहीं पहुँचा, कोई किसी ने साढ़े नाल दुख दर्द नहीं बंडाया जाके भी की होया की नहीं, कोई नहीं गया क्योंकि मेरा बंदा बोल नहीं सकता, वो पाही पेगा। मैं ते मेरी बेटी कमाउण वाले सी, मेरा बच्चा छोटा है, हुण मेरा कौन करूगा, रब ने तो मैनू थल्ले ही लाता। खा गई सरकार मेरी बेटी नू, जदों कैप्टन वर्गियां ने वोटां लैणियां हुंदियां ने उदों बहुत मिठियां मिठियां गल्लां मारदे ने, अज सानू वोट पा दो असीं तुहाडे नाल खड़े हां, हुण किधर गई कैप्टन सरकार, हुण मैनू मेरी बच्ची दा इंसाफ चाहीदा है। इंसाफ चाहिए, एक गरीब दी इंसाफ चाहिए,
जो वोट लैनी होंगी है उदो गरीब लवे असीं तुहाडी आ मदद करांगे आ करांगे क्योंकि गरीबां दे सिर ते तुसीं मंत्री बनदे हो गरीबां दे सिर तुसीं मंत्री बनदे हो। चमकौर सिंह है जी मेरा हाँ जी मेरा पिंड आतरा खुरद ते अपनी यह साली की गुड्डी सी ते यह बहुत अति गरीब ने इहदा बाप आ जिहड़ा उहनूं दरंगा मरीज आ बेटा छोटा गा आप यह पोचे ला के उन्हू पढ़ाया बी ए करी चलो भी उन्हें कहा भी गुजारा नहीं हुंदा अपना वो पंप ते लगी हुई सी 3 महीने हो गए सी पंप ते लगी हुई पंप दे उत्ते रोज़ आउंदी सी वो अपनी माँ नू जो पोचे लाउण आउंदी उन्हू लै जांदी नाले इन्नी होनहार कुड़ी सी बहुत वधिया इन्हां ने की करिया अथ ने 6 बजे आके कहिंदे फोन करता भी तुसीं तुहाडी कुड़ी नू भी ओह हो गया उल्टियां लग गईयां भी तुसीं आयो बीमार आ गई वो कदे भी वह इन्नी कुड़ी सियानी सी वो मतलब यह जी तो कोई गल है ही नहीं सी जे कोई गल ना दसदी इन्हां ने जदों उहदा फोन करिया उहदा चाचा जी आया तो आउंदिया नू दो जने खिची आउंदे सी उहनूं पंप ते जदों उन्हां ने आया आपां खिच के गड्डी कोल स्कूटरी कोल छड्डदे सी स्कूटरी कोल छड्ड के वापस मुड़ गए मगर उहने बेचारे ने कल्ले ने चक के हॉस्पिटल लैके गया उदों उह पूरी हो चुकी सी उहदा कोई उहदे मगर नहीं गया 3 दिन हो गए 28 तरीक की गल आ इह इहदे मगर कोई पंप वाला नहीं गया इन्हां परिंदियां ने इहनूं खा लिया किसी नूं कोई इहनूं इंसाफ नहीं मिलिया 28 तरीक की परसों की है जी ये। अच्छा किन्ने बजे ये तकरीबन 8 ने 7 बजे की गल है। अच्छा जी की कहिंदे की होया गा भी दसे ही नहीं कुछ वो तो कोले भी नहीं आए ये तो वह हजे रिपोर्ट आई नहीं हैगी जी रिपोर्ट मतलब आऊगी कैम ना कोई कैमरे की कहते कैमरे खराब ने साडे कहिंदे ऊं कैमरे इन्हां दे चलते रहिंदे ने हुण कहिंदे साडे कैमरे खराब ने पुलिस ने हजे कुछ नहीं दस्सिया सानू उन्हां नूं कोई सानू पुलिस ने हजे कोई दस्सिया नहीं असीं जे अज पुलिस ने कुछ करिया हुंदा जां वह फिर इत्थे आउण दी की लोड़ सी सानू मतलब प्रशासन तो मंग करदे आं असीं बेनती करदे आं कि सानू इंसाफ मिलना चाहीदा यह बहुत गरीब आ इहदा प्रशासन नूं तां देना ही चाहीदा इहनूं आम लोकां नूं भी इहदा साथ देना चाहीदा इन्नी गरीब आ कि रोटी भी पक्कण दी आस नहीं आ जो कौन कौन भेज दू कुड़ी नूं भेज के दिखाओ कोई 17 साल दी नूं कोई नौकरी करन कोई 5000 ते भेज के दिखाओ आपदे ढिड ते हथ तरके देखो भी कुड़ी नूं आपां प्रोटेस्ट करन की मामला की ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਵੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਦੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜੀ? ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਪਾਈ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦੇ ਜੀ। FIR ਹਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਸਮਾਧਾਨ।